Hello dear students, welcome to Proton the chemistry class. This is Jadia and in this video we are going to starting a new topic which is enantiomers and diastereomers. आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि enantiomers क्या होता है, diastereomers क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को देख करके कि ये कंपाउंड या इन दो कंपाउंड के बीच में enantiomeric रिलेशनशिप है या फिर diastereomeric रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में. इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनेंशियोमर्स को और डाइस्टेरियोमर्स को. ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट मिस ना करें. स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर. हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एनेंशियोमर. ओके, सो एनेंशियोमर्स की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये होती है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नॉन एज एनेंशियोमर्स. आपके पास में दो कंपाउंड्स हैं और दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे ये हैंड, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है. ठीक, ये दोनों ही दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए मान लो, कंपाउंड बी मान लो. ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे के आपको मिरर इमेजेस लगेंगे. अगर आप इन दोनों हाथ के बीच में एक मिरर रख देते हो तब आपको क्या लगेगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है. ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट ये एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा रखा, ठीक है, ऐसा मान लो. ठीक है, तो ये एक दूसरे पर कभी भी क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे. तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स बोलेंगे. ठीक है, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको और ज्यादा क्लियर होगा. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको जो नेसेसरी कंडीशंस होती है एनेंशियोमर्स की वो हमें आपको बताता जाऊंगा. ठीक है, हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे. तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास में एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक और आपके पास में इसी का क्या है, दूसरा कंपाउंड है. पहले तो हम ये देखते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो मैं इसको कंपाउंड ए बोल देता हूं और इसको कंपाउंड क्या बोल देता हूं, बी बोल देता हूं. अब हम नेसेसरी कंडीशन लिखते जाएंगे मिरर इमेजेस. जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि डेफिनेशन में इसकी नेसेसरी कंडीशन छुपी हुई है. डेफिनेशन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नॉन एज एनेंशियोमर्स. ठीक है, तो यानी आपके पास में दो ऐसे कंपाउंड्स होने चाहिए जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो. तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है. सेकंड कंडीशन क्या आती है, अब क्या मिरर इमेजेस होना नेसेसरी कंडीशन है, ये प्राइमरी कंडीशन होती है. ठीक है, नेसेसरी कंडीशन नहीं. अब देखो वैसे नेसेसरी कंडीशन सारी की सारी हो सकती है. मिरर इमेजेस प्लस साथ में क्या आना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, यानी एक दूसरे पर एक आपस में क्या ना हो, ओवरलैप नहीं होता है ना. सपोज आप इस कंपाउंड को उठाइए, ठीक है, ऐसे हम इसको बोर्ड से बाहर लाते हैं फिर उसको उठा करके यहाँ पे अटैच करते हैं. ठीक है, तो देखो OH ग्रुप जो है वो अभी किस साइड में है, मेरे राइट हैंड साइड में है. जबकि मैं इस कंपाउंड में देखूं तो ये OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है. तो अगर मैं इसको उठा के लाता हूं तो जब ये उठाते हैं तो ये जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा और ये OH राइट हैंड साइड रहेगा. ठीक है, तो एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, मिरर सुपर इंपोज नहीं कर सकते, बट मिरर इमेजेस है. कई बार क्या होता है मिरर इमेजेस भी होते हैं और सुपर इंपोज भी कर जाता है. ठीक है, तो वो एनेंशियोमर्स की कंडीशन नहीं होती है. एनेंशियोमर्स की कंडीशन क्या होती है, मिरर इमेजेस होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल होना चाहिए. नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें. जैसे आप इसको उठाओ ऐसे रहो और ऐसे रख देते हैं, ठीक है, तो OH ग्रुप जो होगा इसका इस साइड रह जाएगा और इसका जो है वो राइट हैंड साइड रह जाएगा. ठीक है, ठीक. अब थर्ड बात आती है, एक और कंडीशन आती है. वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है नो सिमेट्री. ठीक है, कि कंपाउंड में कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भी टाइप की सिमेट्री है, चाहे वो POS है चाहे वो COS है, ठीक है, अगर एक भी POS है एक भी COS है तो वो एनेंशियोमर्स नहीं होंगे, ध्यान रखना. ठीक है, अगर कोई सिमेट्री नहीं है, अगर सिमेट्री नहीं है तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि वो ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होनी चाहिए, है ना. हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट की जाती है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. अगर उसमें कोई भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा. ठीक है, अब देखो इनमें एक भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. यानी ये जो दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए. ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कैसे चेक करते हैं, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री
चेक करता है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है प्लस कायरल सेंटर है या फिर कायरल कार्बन है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिवम। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको और बताई थी, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि सर इसमें प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन तो हो सकता है ना, तो मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास में जो कंपाउंड दे रखा हो वो कंपाउंड क्या हो, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूलम, प्लेनर कंपाउंड हो। ठीक है, जबकि अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इस कार्बन की बात करो तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ना कि प्लेनर ज्योमेट्री। तो अगर प्लेनर ज्योमेट्री होती तब इसमें हम बोल सकते थे कि मॉलिक्यूलर प्लेन से अगर आप काटोगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में कटेगा। ठीक है, बट ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसको हम किसी भी एंगल से दो इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते क्योंकि इसके चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। ठीक, चलिए, तो इनमें कोई भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा होगा, एनेंशियोमेरिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स। एक और तरीका होता है एनेंशियोमर्स निकालने का, वो होता है RS कॉन्फिगरेशन। कई बार आपको क्या होता है, कई बार आपको ऐसे कंपाउंड दिए जाते हैं जिसमें मिरर इमेजेस भी होती है, नॉन सुपरइम्पोजिबल होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको चेक नहीं कर पाते, कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको कंपाउंड मिलेंगे, थोड़े हार्ड लेवल के कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं आपको, तो उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या ये एक दूसरे को सुपरइम्पोज करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करना होता है, उसके लिए आप RS कॉन्फिगरेशन क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, RS कॉन्फिगरेशन से आप इजीली पता कर सकते हो कि क्या एक दूसरे को सुपरइम्पोज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर अपोजिट कॉन्फिगरेशन आता है तो वो सुपरइम्पोज नहीं करेंगे, सिमिलर कॉन्फिगरेशन आता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपरइम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, RS का फंडा भी हम यूज करते हैं। अगर हम इसमें देखो RS कॉन्फिगरेशन अप्लाई करते हैं तो देखो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर वन ये जाएगा, फिर टू नंबर पर ये जाएगा। ये नंबर वन पर क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन से ज्यादा है। ठीक है, तो वन टू, फिर ये जाएगा थ्री और ये जाएगा फोर्थ। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ठीक है, तो मैंने आपको RS कॉन्फिगरेशन के लेक्चर में आपको बताया था कि हम कैसे RS कॉन्फिगरेशन को असाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि हम कैसे RS को असाइन कर सकते हैं। अब देखो जब भी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जब फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो, हॉरिजॉन्टल पर हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करना है। ठीक है, हमने फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करा और आपको कैसे चलना है, हाइड इट। ठीक है, और आपको कैसे चलना है, वन से टू से थ्री। ठीक है, वन टू थ्री आपको क्या करना है, राउंड लगाना है। अब ये अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये आपका आएगा एस, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये आपका आएगा आर। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको हाइड करते हैं तो ये आएगा देखो इस साइड से। ठीक, तो ये किस साइड से आएगा, ऐसे आएगा, तो ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखो वन टू थ्री, तो ये साइड से जाएगा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो क्लॉकवाइज के अंदर आपका आता है S। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल पर है, ये भी हॉरिजॉन्टल पर है, अगर वर्टिकल पर होता तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, मिरर इमेजेस है, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी और ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। क्लियर है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आप मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में दिखाता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, देखो दो आपको पॉइंट्स याद रखना है। पॉइंट्स पहला क्या है, एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, जितने भी ऑप्टिकल एनेंशियोमर्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिकल होती है। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। बट ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ऑप्टिकल रोटेशन होता है अल्फा, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो हम RS अभी जो रेसमी मिक्सर होगा, मेजर कंपाउंड होगा, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अल्फा। तो अल्फा होता है दो टाइप का, एक होता है माइनस प्लस अल्फा और एक का वैल्यू होता है माइनस अल्फा, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए रोटेशन जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन। अल्फा जो है उन दोनों की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, यानी अगर ये प्लस अल्फा शो कर रहा है तो ये माइनस अल्फा शो करेगा। ठीक है, देन द सेकंड इज एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर जो होते हैं उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मान लो अगर हम इनकी रिएक्शन जो है वो एक ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ करवा देते हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन कोई ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ करवाता हूं
और इसके किसी दूसरे ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ करवाता हूं तो ये दोनों अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। और अगर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ शो करवाते हैं तो ये दोनों सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे, केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। बट अगर आप ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ करवाते हो तो ये दोनों अलग अलग क्या करेंगे, रिएक्शन को शो करेंगे। एक और चीज अगर मैं बात करूं आपको, कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि अगर इस कंपाउंड में आप डबल स्विचिंग करो, ठीक है, इस कंपाउंड में अगर आप डबल स्विचिंग करो तो हम कैसे कर देते हैं डबल स्विचिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, सी डबल ओ एच ऊपर रहेगा और फिर यहाँ ओ एच आ जाएगा और फिर यहाँ एच है और फिर यहाँ आपका सी एच थ्री, ठीक है। डबल स्विचिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस था, तो आपको पता होगा जब हम डबल स्विचिंग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, सिंगल स्विचिंग में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। तो एस है तो इसका भी एस रहेगा, तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है यानी इसको हमने ए नाम दिया था, ये बी है और ये सी है। तो अगर आप ए और बी के अंदर देखोगे तो ए और बी तो क्या है, एनेंशियमर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें बी और सी की तो बी और सी एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें ए और सी की तो ये वापस से क्या हो जाएंगी, एनेंशियोमर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है कभी कभी कंपाउंड पर डबल स्विचिंग करके उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाता है, लेकिन डबल स्विचिंग के साथ ध्यान रखना कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। अगर सिंगल स्विचिंग करने को बोला गया है तब उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, एनेंशियोमर्स हो सकते हैं। लेकिन डबल स्विचिंग करके जो कंपाउंड बनाया गया है उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, तो वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं डाइस्टीरियोमर्स कंपाउंड्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं डाइस्टीरियोमर्स के बारे में। तो डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन अपोजिट होती है एनेंशियोमर्स की, क्या होती है, द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। और जब हमने एनेंशियोमर्स की बात करी थी तो हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कंसिडर किया था, ठीक है, और इसमें हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को कंसिडर करते हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी आता है, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो बी डाइस्टीरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल देके बताऊं आपको, मान लो ये सिस फॉर्म, ठीक है, ये सिस, ये मानोगे क्या, ये सिस फॉर्म है और अगर हम मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊं, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म है इसका, ठीक, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म, और डेफिनेशन क्या कहती है, द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, ना एक दूसरे पर क्या कर सकती है, सुपर इम्पोज कर सकती है, ये किसी भी एंगल से इसका मिरर इमेज नहीं है। आप किसी भी एंगल पर रखोगे तो ऐसा आपको मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है यानी सिस ट्रांस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है बट साथ में ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स भी है, ठीक है। तो सिस ट्रांस ऑल्सो आर डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, तो सिस ट्रांस को हम डाइस्टीरियोमर्स में भी काउंट करेंगे। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होती है, वो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, देखो एग्जांपल है आपके पास में ये सारे के सारे, ठीक है, इसको आपने फर्स्ट नाम दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं वैसे दे देता हूँ ना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ये आपके पास में टोटल पांच कंपाउंड है। इसमें आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आर एस असाइन करना है, ठीक है। जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं उनमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, हो सकता है आपके पास में आर आर और आर एस और एस हो, ठीक है, मतलब सारे ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं, दो कोई एक ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, एक इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ केस हो सकता है। तो एग्जांपल एक देखते हैं, देखो आपको इनमें सबसे पहले आर एस असाइन करना है, ठीक है। तो अगर आपको आर एस असाइन नहीं करना आता तो आप वीडियो देख सकते हो जाकर के, मैंने बना रखा है, मैं आपको फटाफट से आर एस असाइन करके दिखाता हूँ। इसमें ये आर आर हो जाएगा और ये एस एस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा R और S, और ये हो जाएगा S और R, और ये हो जाएगा आपका R और ये हो जाएगा आपका R, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर एस असाइन कर सकते हो, आप चेक कर लेना कहीं गलत नहीं, ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या एनेंशियोमर्स है या फिर डाइस्टीरियोमर्स है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस भी है, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या है, एक दूसरे के
एनशियोमर। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट एंड फिफ्थ की। ये फर्स्ट है और ये फिफ्थ है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैच करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर एस है, तो इसका कौन क्या होगा, एनशियोमर। ठीक है, क्या होगा, एनशियोमर। अब नेक्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ की अगर हम बात करें, सेकेंड एंड फिफ्थ भी एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसमें आर आर कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एक दूसरे की क्या है, नॉन मिरर इमेजेस है, ये एक दूसरे की कभी भी मिरर इमेज नहीं हो सकते। ठीक है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है आर फिर आर फिर इसका आर फिर इसका एस, तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो तो हम उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। ठीक है, देन अगर हम बात करें थर्ड एंड फोर्थ की, ठीक है, तो देखो थर्ड एंड फोर्थ में जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है वो आर एस का दे रखा है, फिर उसके बाद में एस आर का दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स नहीं बोलेंगे। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, डाइस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो कि नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, जबकि ये मिरर इमेजेस होंगे। और दूसरा, ये एनेंशियोमर्स क्यों नहीं हो सकते, एनेंशियोमर्स तभी होते हैं जब ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में होते, ये आर आर और एस एस होता तो एनेंशियोमर्स बोलते, ये एक दूसरे के हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको जो कंपाउंड दिया गया वो एनेंशियोमर है या फिर डाइस्टीरियोमर्स है या फिर आइडेंटिकल है। ओके, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा आपको एनेंशियोमर्स क्या होता है डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेसो कंपाउंड के बारे में, कि मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेसो कंपाउंड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।